टाइम्स में खुश आमदीद। मुफ्ती सलमान अजहरी को कच्छ की अदालत से आज रिहाई नहीं मिल सकी है, उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई है, बल्कि पुलिस कस्टडी में मजीद 3 दिनों का इजाफा कर दिया गया है और इस तरह कच्छ की अदालत की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी को मजीद 3 दिनों तक पुलिस की कस्टडी में रहना होगा। इस बात की जानकारी खुद मुफ्ती सलमान अजहरी के ट्विटर हैंडल पर दी गई है। आप यहाँ स्क्रीन शॉट देख सकते हैं जिसमें वाज़ह तौर पर लिखा गया है, कच्छ की अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल नहीं दिया है बल्कि पुलिस कस्टडी में 3 दिनों का इजाफा कर दिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने चाहने वालों से अपील की है कि वो पीस को मेंटेन रखें, पीस को बरकरार रखें, अमन व सलामती के साथ रहें और किसी भी तरह कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। जो खदशा जाहिर किया जा रहा था अब वो खदशा सच साबित होने लगा है। कल गुजरात ATS के SP ने एक इंटरव्यू में यह भी वाज़ह तौर पर कह दिया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक से कुछ लोगों ने यह इल्जाम लगाया है कि उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है, दहशतगर्दाना तंजीमों से उनके ताल्लुक है। सोफी खनका मिशन का एक लेटर पेड वायरल हो रहा था और उसी बुनियाद पर गुजरात ATS के SP ने कहा कि अब आतंकी गतिविधियों की भी जांच होगी कि क्या टेरर एक्टिविटी से भी उनका कोई ताल्लुक रहा है या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनके संबंध रहे हैं। इन सब मामलों की भी जांच होगी और कच्छ की अदालत ने आज जिस तरह 3 दिनों का इजाफा कर दिया पुलिस कस्टडी में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है, उन पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाएंगे, उल्टे सीधे मामलों की जांच की जाएगी। गुजरात ATS इस पूरे मामले को देख रही है, यही सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शेर पढ़ा था जो उनका नहीं पुराना शेर है, एक कविता पढ़ी थी कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। और वो दुनिया भर के हालात के बारे में तस्करा कर रहे थे, हिंदुस्तान के तनाजुर में गुफ्तगु नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरह जो कुछ हुआ तो उनको फंसाया जा रहा है और अब कच्छ की अदालत ने मजीद 3 दिनों की कस्टडी बढ़ा दी है। अगले 3 दिन बाद बहुत अहम होंगे, आया ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई मिल जाती है, बेल मिल जाती है या फिर मजीद इसमें इजाफा किया जाएगा। जूनागढ़ की अदालत से बहुत अच्छा हुआ कि अगले दिन ही मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर कच्छ में भी FIR दर्ज करवाया, वहां 2-3 सेक्शन लगवाए गए और अब पुलिस कस्टडी में इजाफा कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलर टाइम्स को फॉलो कर लीजिए।